एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो सभी कक्षा 10 और विषय बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, और अध्याय हमारा तीसरा स्टार्ट हुआ है। पहले अध्याय में पढ़ा था हमने क्या, स्वर्णिम भारत। दूसरे में पढ़ा था संघर्षकालीन। अब आता है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष। यानी अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार का मतलब अलग अलग युद्धों के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य है यानी अंग्रेज है वो हमारे भारत पर सत्ता स्थापित कर लेते हैं, और फिर भारतीय इनसे क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। आपने सुना होगा अंग्रेज भारत में आए थे, 300 सालों तक राज किया था। अब उसकी घटना इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। आज हम सीधा पढ़ेंगे, कल से आपको सारी चीज़ें बोर्ड पे बताऊंगा मैं। तो देखिए, पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के दृष्टि से अलग-अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट अत्याचार और शोषण से हुई। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा, ये आपको पता है। अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाह रही। शीघ्र ही वे व्यापारी से शासक बने। क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, क्या बन गए, शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत क्षति पहुंचनी थी। अब देखो, 1757 से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, हमने वहां लास्ट क्या पढ़ा, रणजीत सिंह शासक पढ़ा। अब इसमें पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज 1757 में एक प्लासी का युद्ध लड़ते हैं और 1857 तक स्वतंत्रता की चेतना तक कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे पूरा विवरण है। तो देखिए, 23 सितंबर 1600 को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। यानी भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने वाले। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया, वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ। 1612 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारी कोठी स्थापित कर ली, अपनी व्यापार करने की कोठी, जिसको आजकल वैसे उद्योग धंधे कहते हैं, एक जगह केंद्र, औद्योगिक केंद्र वो स्थापित कर लिया। 1604 में मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। 1717 में मुगल बादशाह फरखुर सियर्स से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली। 3,000 रुपये नजराने के बदले कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। यानी 3,000 रुपये देने पड़ते थे और फिर जो भी माल ले जाया जाता था कंपनी की तरफ से उस पर सीमा पे कोई शुल्क नहीं लगता था। और चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को 10 तक विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपना सारा अपना ध्यान बंगाल पर केंद्र किया। उसमें आज ध्यान रखना, जो बंगाल है ना सबसे गरीब है, और अंग्रेजों के समय बंगाल सबसे ज़्यादा अमीर था। अंग्रेजों ने लूट लूट के बंगाल को क्या कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली। मुगलों से प्रमाण प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफ़ी मतभेद। कल मैं आपको ना इसको आराम से बोर्ड पर युद्ध बताऊंगा पूरा, प्लासी का युद्ध। आज थोड़ा लेट चल रहे हैं ना, थोड़ा शाम को वीडियो डालना पड़ा थोड़ा वर्क होने की वजह से, मतभेद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ये कल बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। कौन सा, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई। 1760 में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धन पूर्ति नहीं कर सका, क्योंकि उनको तो अंग्रेजों को धन का लालच था, जो ज़्यादा धन देगा, जो पैसा देगा उसको नवाब बनाते थे, अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखो, चेंज कर दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया,
लेकिन भ्रष्टाचार और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। आर्थिक मामलों व विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य मतभेद फिर बढ़ते गए, जिसके परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को एक बक्सर का युद्ध हो गया, जिसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की फिर भी जी, क्योंकि अंग्रेज तो लगातार जीतते जा रहे थे। यह युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ, होना ही था, सारे हार रहे थे नवाब। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार, अंग्रेजों को दीवानी मतलब जो आर्थिक संपन्नता का था ना, कृषि का, अर्थव्यवस्था का, ये सब किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के, ठीक है। इससे भारत के उद्योगों और व्यापार को हानि पहुंची, अब सारा काम अंग्रेज करने लगे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों का फिर सामना हुआ, ये तो बंगाल का, बंगाल को हरा दिया, उसको ऊपर कब्जा कर लिया। अब आते हैं मराठा, जैसे शिवाजी पड़े थे ना, उसके बाद में ताकतवर मराठा आए थे, और मैसूर जहाँ पे टीपू सुल्तान था, उनसे संघर्ष हुआ। कहने का मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र है, उनसे लड़ाई करी। 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन 14 जनवरी 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई। अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती मराठा ही थे। अब तक क्या करते थे, अंग्रेज मराठों से डरते थे, लेकिन जब ऐसे सुना ना 1761 में मराठा हार गए, तो अंग्रेजों को लगा भी मराठों को भी हम हरा सकते हैं। अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती कौन सी थी, मराठा ही थे। अब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। 1772 में पेशवा माघवराव की मृत्यु हो गई, उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्ण पेशवा उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेजों को मराठा राज्य में फूट डालने का अवसर मिल गया, अब मराठा राज्य है उनमें भी फूट पड़ गई, और अंग्रेजों को दिए था फूट डालो राज करो की नीति थी। अंग्रेजों रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई, सूरत गुजरात में है, जिस स्थान पे बैठकर दोनों संधि करते हैं ना, उस संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे, और पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, साल सेट और सूरत की लगान का आधा भाग देगा। बस ये जितना लगाना है आधा भाग शर्त होगी। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। अब युद्ध होते हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और मैसूरों के बीच, अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के बीच, सब युद्ध पढ़ेंगे एक एक करके, फिर 1857 की कल आपको बोर्ड पे मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, अंग्रेजी साम्राज्य कैसे स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 1600 कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब तक आप इसको पढ़ना, कल आपको पूरा वीडियो मिलेगा।